आज हम हैं जी मोहाली में रमनीक सिंह जी के पास स्ट्रीट ईट पे और हम यहाँ पे आए जी आपको दिखाने बहुत ही जबरदस्त खाना सरदार जी की फूड वैन से। सर सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। क्या क्या है आज अपने पास? डेली उसमें जैसे न्यूट्री ग्रेवी होती है जी, ये काजू मगज की ग्रेवी डाल के इसको। अच्छा जी, कढ़ी। अच्छा ये अंदर है जी कढ़ी, और भाई एकदम जबरदस्त लग रही है कढ़ी। वाह, आज हमने थाली में न्यूट्री मसाला बनाया है। अच्छा, न्यूट्री मसाला आज थाली में रहेगा। हाँ जी, दाल है यहाँ पे है जी, दाल अरहर और चने की दाल। हाँ जी। अरे वाह, थाली में डेली चेंज होती है दाल सब्जी, डेली चेंज होती है हमारी। अच्छा जी, व्हाइट चना, ये है जी व्हाइट छोले, काबुली छोले। और अंकल जी डबल डॉलर है ट्रिपल डॉलर है? ये मीडियम साइज। अच्छा, मीडियम साइज है जी। डॉलर का इतना टेस्ट नहीं आता। अच्छा, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है साइज अच्छा होता है बट टेस्ट नहीं आता। और ये है जी चित्रा राजमा, एकदम बढ़िया यार, गाढ़े राजमा है। और इधर क्या अंकल जी? राइस। ये है जी आपके बासमती राइस मटर वाले। और इधर देखो भाई, ये भटूरों की प्लेट है, आलू पूरी। अरे वाह, ये है जी आलू अभी लग रही है की प्लेट, अभी ये कंप्लीट होगी, अंकल जी कंप्लीट करेंगे इसको। आलू पूरी लेना, आलू पूरी ले, पूरी चना लेना है वो ले, जो मर्जी ले सर। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, सरदार जी को आके बताओ कि आपको क्या चाहिए। आपको आलू की सब्जी, पूरी, छोले भटूरे, जो आप चाहो वो आप खा सकते हो। पूरी चना, पूरी चना भी खा सकते हो। ये भटूरा लग रहा है जी। अच्छा, भटूरे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया भटूरे, फूले फूले बड़े साइज के भटूरे हैं। और इसका जो छीला है सीधा मेरी तरफ आ रहा है और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पर भाई भटूरे का जो अरोमा है ना वो मुझे बता रहा है कि भाई बहुत स्वाद होने वाले हैं। सरदार जी एक चीज बताओ कि कितना पुराना सेटअप है अपना? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल? हाँ। इसके पहले मैंने सुना आप केटरिंग का काम? मेरा केटरिंग का भी काम। वाह वाह, वो अभी भी करते हैं जैसे फंक्शंस वगैरह कोई। अच्छा, वो अभी भी। तो सेम टेस्ट जो है केटरिंग में भी मिल जाता है? हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे हम प्रेफरेबल सैटरडे संडे वगैरह, आपका सैटरडे संडे को ज्यादा करके रहता है। जबरदस्त। वंस रिफिलिंग हम करके देते हैं, मतलब दाल सब्जी वगैरह रायता जो लेना जी, चपाती राइस एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा जी, भटूरे किसी ने लेने हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब ये सारा कुछ हमारे पास डेली उसमें, जैसे अब फ्राइड राइस मंचूरियन होता है जी, और इडली सांभर होता है। अच्छा जी, पाव भाजी होती है जी, आजकल पास्ता लगाने लग गए हैं हम साथ में। पास्ता है सर? हाँ पास्ता है। तो वो पास्ता भी है भाई, अगर आपको खाना है। यहाँ पे एक और थाली लग रही है आपको, पहले वो दिखाते हैं। आलू, ये देखो जी ये थाली लग रही है, इसमें ये आ गई जी सोयाबीन की सब्जी, और साथ में आ गई जी ये दाल। सर मूंग अरहर बताया ना आपने? अरहर चना, अरहर चना की दाल है। और ये गई जी एक थाली, और इधर से ये आ गई जी दूसरी थाली। और भाई अच्छा, भटूरे छोले, ये भटूरे छोले लगेंगे इस थाली में। तो इधर देखो भटूरे जो है वो फ्राई होके उधर तक पहुंच गए सर, के भी आने वाले हैं? आ रहे हैं सर। अच्छा, ये देखो भाई इधर है जी भटूरे, और सारा का सारा सेटअप जो है वो सरदार जी के एकदम सारे सुपरविजन में चल रहा है। सारा कुछ सरदार जी यहीं पे लगाते हैं एकदम फ्रेश। भाई साहब ये देखो, ये आपका छोले भटूरे की प्लेट भी रेडी है, और साथ में आ गया रायता, एकदम बढ़िया प्लेट लग रही है यार। ये है जी पास्ता इनका, और ये अभी भैया डिब्बे में डाल के आपको दिखाएंगे। भाई साहब अगर आपको दोपहर में भी शादी वाला खाना खाना है और शादी वाला जो टेस्ट होता है वो लेना है तो सरदार जी के पास आ जाओ, यहाँ पे आपको तकरीबन सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप लंच में एक्सपेक्ट करते हो। और भाई साहब ये देखो यहाँ का मेन्यू, प्राइसेस देख के मेरा रिएक्शन पता क्या है? ये वाला बहुत खुश हो गया मैं यार प्राइसेस देख के। गुलाब जामुन 15 रुपए का, और 60 रुपए में आपको फुल प्लेट राजमा राइस मिल जाएंगे। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन शुरू किया अभी आपने, क्योंकि सर्दी आने वाली है तो गुलाब जामुन शुरू कर दिए। शुरू हो गए जी जी जी। 15 रुपए पीस है, 15 रुपए का पीस है। और सर एमी विर्क बाजी का रिएक्शन बड़ा अच्छा है उस पर, 15 रुपए में शुरू हो गया। मूंग दाल हलवा, मूंग दाल हलवा जो है ये अपना है जी। और ये देखो भाई एकदम जबरदस्त लग रहा है सर, ये तो जैसे कड़ा प्रसाद होता है ना उस रंग का है। सर एक बार ना लोकेशन समझा दो जिसको अगर आना हो यहाँ पे। सर आप गूगल पे सर्च करिए स्ट्रीट ट्रीट फूड वैन जी, अदरवाइज फेज 8 इंडस्ट्रियल एरिया जी, नियर SASIIT कॉलेज। और आपकी टाइमिंग सर?
मंडे टू सैटरडे 12 से 12 बजे से 4 बजे तक। ठीक है सर, संडे ऑफ। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा। अभी हम छोले भटूरे खाते हैं भाई साहब। ये आज का हमारा स्वाद वटांदरा। इधर देखो बढ़िया काबुली छोले हैं, और ये है जी साथ में इमली की चटनी, ये सलाद है, इधर रायता है। और क्योंकि हमने छोलों से चम्मच को भिगो लिया है, तो पहले स्वाद वटांदरा कर लेते हैं, उसके बाद रायता ट्राई करेंगे। भाई भटूरे का साइज ना, मतलब ये आपको दिल्ली में कहीं पे भी ऐसे भटूरे नहीं मिलेंगे इस साइज के, बहुत ही जबरदस्त साइज है, और दिल्ली छोड़ो चंडीगढ़ में भी नहीं मिलेंगे। बड़े भटूरे से एक बड़ी बाइट, नहीं बड़ी बाइट लेते हैं। और ये आ गए जी साथ में छोले। तो छोलों के अंदर डिप करने के लिए ये आ गई जी एक बाइट। आजा वीरे, ये देखो ओहो हो हो, हाथ मेरे पूरे भीग गए इसके अंदर। ऐसा स्वाद बटांदरा, हियर्स बाइट। हाथ एकदम भर गए तेल से, बट भटूरे तो भाई ऐसे ही होने चाहिए। पीछे मैंने सुना एक कॉन्ट्रोवर्सी होगी यार छोले भटूरे के ऊपर, बहुत सारी ट्वीट्स हुई हैं और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। मुझे पता हेल्दी नहीं है, बट बहुत स्वाद है यार, मज़ेदार है। और यहाँ पे मसाले थोड़े सटल हैं। भटूरे के अंदर कसूरी मेथी है, और साथ में भाई साहब इसमें एक आधा कोई मसाला और है, शायद अजवाइन है। भटूरे का भी फ्लेवर अच्छा है, बट जो छोले हैं ना, ये छोले आप चावल के साथ भी खा सकते हो, भटूरे के साथ भी खा सकते हो, और अगर कहीं समोसे मिल जाए इसके साथ भी खा सकते हो, बहुत स्वाद है। और भाई छोले भटूरे के साथ रायता, ये सिर्फ पंजाब में मिलेगा, मज़ेदार है। पिछली बार हमने थाली ट्राई करी थी, इस बार छोले भटूरे ट्राई किए हैं। अंकल जी का जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त है, खाना बहुत स्वाद है। आप भी यहाँ पे आओ, ट्राई करो और बताना कमेंट में। हम आगे चलते हैं। दादी सत श्रीकाल, क्या हाल चाल है जी? सर एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। और सरदार जी आज हम शायद ऑलमोस्ट 4 साल बाद मिल रहे हैं ना? बिल्कुल 4 साल बाद। और सरदार जी आपकी जो जवानी है और ज्यादा कायम हो गई है, बहुत जबरदस्त। तो थोड़ा बताइए, जो हमारे नए परिवार वाले हैं, आपने कब से लगाना शुरू किया था? काम करने के लिए आए थे जी, नौकरी करने के लिए जी। नौकरी तो मिली नहीं, ये काम मिल गया। अच्छा जी, तब से अब तक यही काम चल रहा है। तो नौकरी करने मतलब आप किसी कंपनी के पास आए थे या वैसे? नहीं, जी सरकारी नौकरी होती जी जी जी। हाँ जी, और दसुआ से है ना सर आप? हाँ जी, से। मुझे ये याद है कि आप दसुए से हैं, और दसुए से आप चंडीगढ़ आए थे नौकरी की तलाश में। हाँ जी, और लोगों ने आपके जो समोसे हैं उन्हीं को आपका व्यवसाय बना दिया। बिल्कुल। तो सरदार जी शुरू कैसे हुआ था, मतलब आपने जैसे पहले दिन समोसे कैसे ऐसे रैंडमली लगा लिए थे, कुछ सोच के लगाए थे? नहीं जी, मेरी मदर इन लॉ ने कहा थी भी एक दिन समोसे करके देख लो, मैं कम नहीं करना जी समोसों का जी, बस एक दिन करके देख लो जी। मैं कहा चलो ठीक है जी, कहना मनना पैंदा जी बड़िया का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सासू माँ तो वैसे भी मानना पड़ता है जी। समोसे बना के उन्होंने दे दिए कच्चे जी, मैं 27D में आके बैठ गया, आके देखा जी, बच्चे कहते अंकल जी की करने लगे हो, मैं जी समोसे बना रहे हैं। अच्छा, कहते बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी जी। तो समोसे बनाए जी, जिन्ना समान बनाया सी 2-3 घंटे खत्म हो गए। अच्छा, क्या बात है, लो जी जी काम ही बहुत वधिया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਫਸੇ ਆ ਜੀ, ਫਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੋ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਸਮੋਸੋ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਆਪਕਾ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਸੇ ਸਿੱਖੇ ਥੇ ਫਿਰ ਆਪਨੇ? ਸਮੋਸੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ दसवे में बेकरी थी जी। अच्छा, बेकरी करते थे हम जी, और दिल्ली में दुकानें थी। अच्छा, वहाँ 75 में जब इमरजेंसी लगी ना जी, तब हमें छोड़नी पड़ी दिल्ली जी। हाँ जी, फिर हमारी बेकरी थी दसवे में। अच्छा जी, वहाँ काम करते करते जी हमारी शादी चंडीगढ़ 20 में हो गई। अच्छा जी, बस तब से ये। क्या बात है। तो सरदार जी देखो, इतनी बड़ी लाइफ में सरदार जी ने इतना कुछ देखा है, और एंड में आके सेटल हुए इतनी शांत, इतने बढ़िया माहौल में यहाँ पे सेक्टर 27 में। और सरदार जी यहाँ के जो लोग है ना, उनकी उनकी 5वीं पीढ़ी चल पड़ी जी कईयों की। अच्छा, 5वीं पीढ़ी में लोग जी, कहीं कोई चौथी, कहीं कोई 5वीं पीढ़ी जी जी जी। वाह, और जो पुरानी कोठियां थी और तोड़ तोड़ के नवी बना रहे। ओ, आपने सब अपने सामने होते हुए देखा है। बिल्कुल, क्या बात है सरदार जी। यहाँ पे आपके जो यहाँ पे समोसे खाने मैंने देखा है, लोग बहुत दूर से आते हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके मोहल्ले से ही हैं या कॉलोनी से ही हैं, बहुत दूर दूर से। तो आप ऐसा क्या खिलाते हो लोगों को कि लोग वापस आते हैं इतने दूर से? कि जी इनका प्यार ही है जी, जी। तो समोसे तो बड़े बड़ी दुकान है, बड़े बड़े होटल है, वहाँ भी मिलते हैं जी, लेकिन जो हमारे प्यार में आते हैं जी। तो मतलब आपका प्यार में खिलाने का तरीका है, लोग प्यार से खाते हैं और प्यार प्यार में काम चल रहा है। बिल्कुल।
क्या बात है। और सरदार जी एक ना कढ़ी पत्ता जो आप डालते हो हर चीज में, उसका एक अलग स्वाद है, एक अलग जायका है ना। कढ़ी पत्ता देखो यहाँ पे सरदार जी अलग से एक्स्ट्रा रखते हैं। और कढ़ी पत्ते, अच्छा इधर पेड़ है और इस पेड़ से सरदार जी कढ़ी पत्ता तोड़ के डालते हैं इसी के अंदर। एक सर दिखा दीजिए कुछ स्टफिंग करके। ये तो आंटी बनाते हैं जी। क्या बात है जी, घर में वो काम करते हैं, मैं सिर्फ हेल्प करता हूं। अच्छा घर में आप सिर्फ हेल्प करते हैं और बाहर आके आप जो फिलिंग वगैरह वो आप खुद करते हैं। बिल्कुल। वाह, तो ये देखो ये स्टफिंग सरदार जी ने बना के रखी हुई है। और इसमें क्या क्या है सरदार जी? इसमें कढ़ी पत्ता है जी, मेथी है जी, धनिया ओ धनिया है जी, जी सूखा धनिया, नीला धनिया, जीरा जी, जी अदरक भी है। क्या बात है। तो ये देखो भाई साहब स्टफिंग बड़ी जबरदस्त है और यही स्टफिंग आप हॉट डॉग में भी डालते हैं ना? हाँ जी, इसी हर चीज में यही है जी। हर चीज में यही स्टफिंग है। वाह। और सर चटनियाँ वगैरह कौन बनाता है? चटनी सारी आंटी बनाते हैं। अच्छा जी, आंटी जी बनाते हैं और आंटी जी को भी सत श्री अकाल है जी। इस वीडियो के माध्यम से हम उनको कभी मिले नहीं है बट उन्होंने वीडियो जरूर देखी होंगी है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये देखो एक छोटी सी कढ़ाई है, उसी के ऊपर सारा का सारा सेटअप है और सरदार जी हर समोसा हर हॉट डॉग फ्रेश बनाते हैं। भाई साहब ये देखो ये बन रहा है ब्रेड पकौड़ा, ये भी फ्रेश आपके सामने ही बनेगा। और ये लग रहे हैं जी आलू, और भाई आलू के अंदर मसाले हैं, कसूरी मेथी है, साथ में हरिया धनिया है और सरदार जी का एक अनोखा अंदाज है। सारा कुछ आपको फ्रेश मिलेगा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि पकौड़े मांगे और मिल गए, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने सरदार जी स्टफ करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको आपको सर्व करेंगे। और सर इसमें हॉट डॉग और ब्रेड पकौड़े में बेसन ऊपर से लगाते हैं सर? हाँ जी। ये देखो भाई ये देखो एक पैक करने के लिए बेसन की एक लेप लग जाता है, एक लेयर लग जाती है ताकि सारी स्टफिंग जो है अंदर लॉक हो जाए, है ना सरदार जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए कुछ भी। सबसे पहले तो हॉट डॉग को फ्राई करके बढ़िया से, और अब इसको काट दिया बीच में से और अभी इसके अंदर जाएगी जी ये इमली की चटनी। सर हाँ जी जी, ये है जी इमली की चटनी, ये आ गया जी हॉट डॉग, अब ये आ गई जी ब्रेड। तो भाई ये देखो एकदम फ्रेश ब्रेड का पकौड़ा और एकदम फ्रेश हॉट डॉग, और ये आपका ब्रेड पकौड़ा भी रेडी है। और सरदार जी एक बार लोकेशन आप बता दो, एग्जैक्ट लोकेशन अपनी। राजस्थान भवन है जी, उसके सामने डेयरी है, डेयरी के नाल ही मुड़ के खब्बे हाथ मुड़ जाना। ठीक है जी, उसके नाल ही बैठे ट्रांसफार्मर देखो जी, ये देखो ट्रांसफार्मर है और इधर भी यही है जी, समोसे वाला ट्रांसफार्मर। समोसे वाला ट्रांसफार्मर जी। ठीक है जी, ये पार्क है, इसका नाम है समोसे वाली पार्क, समोसे वाली पार्क। ठीक है जी। और सरदार जी एक चीज और बताओ, प्राइसेस क्या है, समोसा कितने का है? समोसा 10 रुपए का जी, ब्रेड 10 का जी, हॉट डॉग 20 ਦਾ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 25 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਟਿੱਕੀ ਪਕੌੜਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ, ਟਿੱਕੀ ਪਕੌੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਵਜੇ ਆਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਦ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਹੌਟ ਡੌਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਫਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਚਟਨੀ ਵੀ ਡਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ ਇਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਿਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਟ। एक तो भाई साहब जो हॉट डॉग फ्राई करते हैं वो क्रंची हो जाता है, एकदम करारा जबरदस्त। ठीक है, मैं जो कढ़ी पत्ता डाला है ना मसाले में, भाई साहब सारा स्वाद उसका है, मजेदार है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसाले मिर्ची नहीं है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे आ जाओ, ट्राई करो, आप बोलोगे भाई हरिया तू कमाल है, मेरी बात मान लो, मजे आ जाएंगे आपको।